डाइट होनी चाहिए। बच्चों को कभी भी एक बार में ना खिलाएं एग्जाम टाइम में, क्योंकि वो एक बार में खाते हैं फिर उन्हें नींद भी आ सकती है, उनकी बॉडी में जो ब्रेन को सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन उसका अमाउंट थोड़ा सा कम हो सकता है। तो उनको छोटे छोटे स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स खिलाइए आप, और सब कुछ खिलाइए, ये नहीं कि सिर्फ बादाम सिर्फ एग्जाम में काम नहीं करते हैं, बादाम पूरे महीने पूरे साल जब खिलाओगे आप तभी काम करेंगे। तो उनको अर्ली मॉर्निंग स्नैक जो होता है उनका वो बादाम होने चाहिए, उसके साथ में आप उन्हें दूध दे सकते हैं। उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट दीजिए, उनको ब्रेकफास्ट के टाइम में आप उनको एक फुल अच्छा सा मील दीजिए। अगर वो बच्चे नॉन वेजिटेरियन है तो वो एग खा सकते हैं, सैंडविचेस खा सकते हैं, ऑमलेट्स खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं, विच शुड नॉट बी लोडेड विद घी। थोड़ा सा घी लगाएंगे लेकिन लोड नहीं करना, क्योंकि माई एंड द ग्रैंड पेरेंट्स आर आफ्टर द घी, कि जब तक घी नहीं होगा बॉडी में कुछ नहीं जाने वाला है। तो वो दीजिए, लंच में आप उनको दाल चावल सब्जी रोटी जो बच्चे की पसंद के अनुसार खाना खिलाइए। और एग्जाम टाइम में स्पेशली कुछ भी नया मत ट्राई कीजिए बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो हो सकता है उसको उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाए, लूज मोशन हो जाए, या कुछ फूड एलर्जीज हो जाए। तो कुछ नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट एक दो महीना पहले से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। आयरन रिच फूड्स खिलाइए उन्हें, सपोज पालक है या फिर बीट रूट है। बच्चे नहीं खाते हैं तो मैंने बताया था आप उनको पराठे पूड़ी की फॉर्म में दे सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं। प्लस जितने भी फ्रूट्स हैं, अगर बच्चे फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं तो आप उनकी स्मूदीज बना के उन्हें दीजिए, फ्रूट सैलेड की फॉर्म में दीजिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस फॉर्म में सोच रहे हैं बच्चा उसी फॉर्म में खाना पसंद करेगा। बच्चे को हो सकता है आपको पराठा अच्छा लगता है, बच्चे को पूड़ी अच्छी लग सकती है। तो आप फॉर्म चेंज करके लेकिन बच्चे के अनुसार बनाइए। कस्टर्ड खिलाइए उसको रात में, क्योंकि प्रोटीन्स है उसमें, उसको बहुत अच्छी प्रोटीन्स मिलेगी, प्लस फाइबर मिलेगा फ्रूट्स खा रहा है क्योंकि वो, तो उसको रात में भी जो वो याद कर रहा है उसको लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सुबह उठते एकदम से भूख नहीं लगेगी, फिर आप उसे सुबह फिर से अपनी वही जो आपकी डोज है स्टार्टिंग वाली आलमंड्स ब्रेकफास्ट फिर से शुरू कर देंगे। बच्चे को पानी अच्छे से पिलाइए, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बच्चा पानी पी रहा है तो उसके सारे प्रोसेस बॉडी में ठीक हो रहे हैं। अगर वो प्रोसेस ठीक नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक प्लेट में सब कुछ होना चाहिए, हरी सब्जियां भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए, चावल भी होने चाहिए, दही भी होना चाहिए और दूध भी होना चाहिए, एवरीथिंग। ओके, तो इम्यूनिटी बेस्ड फूड्स तो अलग से ही है, वो भी इंक्लूडिंग है ना? जैसे इम्यूनिटी बेस्ड फूड्स आर ऑलवेज सैलेड्स और फ्रूट्स, जितने भी आपके रंग बिरंगे फल हुए, अनार संतरा एप्पल, बच्चे को जो फ्रूट पसंद है आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर बच्चे को एप्पल नहीं पसंद है तो आप उसे वो मत दीजिए, क्योंकि जितना एप्पल में उतना अनार में भी है, उतना ही ब्लूबेरीज में भी, उतना ही स्ट्रॉबेरीज में भी है। तो बच्चे को जो पसंद है उसको वही दीजिए। विटामिन्स रिच जो भी फूड होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड में होते हैं, बच्चे वो चीजें नहीं खाते हैं। इम्यूनिटी हमेशा उसी से डेवलप होती है, दाल चावल से भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उनसे होती है जो हम रॉ खाते हैं। तो रॉ हम केवल फ्रूट्स खाते हैं और सैलेड्स खाते हैं जो बच्चे नहीं खाते हैं। तो जो सैलेड वेजिटेबल्स हैं आप उनको ग्राइंड करके उन्हें पूरी पराठे में स्टफ कर दीजिए, क्योंकि बच्चे को प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। आप इडलीज बनाते हैं, आप इडलीज को ग्रीन पालक प्यूरी से बना दीजिए, मिक्स कर दीजिए बैटर सेम बना के, पालक प्यूरी मिक्स कर दीजिए, बीट रूट प्यूरी मिक्स कर दीजिए, वो क्या होगा, हरी इडली, लाल इडली, पिंक इडली दिखेगी। तो बच्चा विल फील लाइक ईटिंग, तो वो बच्चे को अच्छा लगेगा, तो यू विल फील सेटिस्फाई कि चलो बच्चे के अंदर एक बीट रूट तो गया। लेकिन अगर आप बच्चे को बीट रूट के चार स्लाइसेस दे दोगे तो बच्चा नहीं खाएगा। इवन आई समटाइम्स रिजेक्ट कि नहीं बीट रूट नहीं खाना है, लेकिन बीट रूट का अगर किसी से मिक्स करके दोगे तो वे मैं खा लूंगी। तो इम्यूनिटी हमेशा कच्ची चीजों से बढ़ती है। ओके, हो गया, मुझे डन।